वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 द एजुकेटर सोसाइटी कैंपस शहदादपुर। स्टूडेंट्स आई एम दिलदार अली। एज यू नो इन आवर ग्रामर सेशन आवर सेकंड चैप्टर इज गोइंग ऑन। आवर सेकंड चैप्टर नेम इज क्वांटिफायर्स। ओके स्टूडेंट्स इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट यूजेज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली विथ यूअर होल कॉन्सेंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स द वर्ड्स आर ईदर एंड नीदर। स्टूडेंट्स यू मे प्रोनंसिएट इट आइदर एंड नाइदर। ओके स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है हमने अपने ग्रामर सेशन में से सेकेंड चैप्टर का आगाज़ किया हुआ है और आज हम मुख्तलिफ वर्ड्स के इस्तेमाल का तरीका सीखेंगे। ओके जैसे कि स्टूडेंट आपके सामने एक स्लाइड मौजूद है और उसके अंदर दो वर्ड लिखे हुए हैं। आप टॉप पर देखें दो वर्ड लिखे हुए हैं और वर्ड कौन से हैं आइदर एंड नाइदर। स्टूडेंट इन आइदर और नाइदर को आप इधर और नीधर के तौर पर भी प्रोनंसिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट फिर नीचे इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है इधर दोनों में से कोई एक या दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट यानी कि इधर जो वर्ड है वो आप प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। वो आप प्लूरल के इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, इन दोनों सेंसेस के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइदर पेन विल डू यानी कि कोई भी कलम चलेगा। सपोज़ आपके पास दो पेन हैं और आपसे आपका कोई फ्रेंड उनकी डिमांड करता है, आप उसे दोनों उठा के दे देते हैं। अगर वो पूछे आपसे तो कि इनमें ये लिखते हैं कि नहीं, आप कह सकते हैं इधर पेन विल डू यानी कि कोई भी चलेगा, यानी कि अगर एक ना चलेगा तो दूसरा चलेगा। ओके इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल आप देख लो देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। सड़क के दोनों तरफ दरख्त हैं। स्टूडेंट जैसे कि आप कभी भी सफ़र करते हैं तो आपको अक्सर औकात रोड के जो कॉर्नर्स होते हैं किनारे होते हैं उनके ऊपर आपको दरख्त लगे हुए नज़र आते हैं, तो आप कह सकते हैं दरख्त के दोनों अतराफ दरख्त हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप कह सकते हैं सिंपली देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ओके नीदर असल जो स्टूडेंट वर्ड है ना नीदर असल में इधर की शक्ल है, लेकिन ये इन दोनों की मीनिंग जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे कि इधर का जो यूजेज है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इनके बारे में मज़ीद जानने के लिए। स्टूडेंट आपके सामने एक स्लाइड है, स्लाइड पे आप देखें बोथ वर्ड लिखा हुआ है। बोथ जो है वो होता है 1+1 यानी कि एक के साथ एक। जैसे जो बोथ वर्ड यूज होगा ना वो आप दो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दो, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ये स्लाइड के अंदर एग्जांपल आपके सामने है, आप इसे इजीली देख सकते हैं 1+ द अदर। जैसे आप कह सकते हैं a+b यानी कि एक और दूसरा भी। फिर लिखा हुआ है नीधर नॉट ए नॉट बी। नीधर यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। नीधर पेन विल डू यानी कि कोई भी कलम नहीं चलेगा। अगर आपसे कोई डिमांड करता है पेन की और आपके पेन वर्किंग में नहीं है, आप कह सकते हैं नीधर पेन विल डू यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। ओके स्टूडेंट तो यानी कि नीदर का मतलब है तो दोनों के लिए, वो दो के लिए इस्तेमाल होगा लेकिन उन दोनों का वर्क कुछ नहीं होगा, वो दोनों निगेटिव सेंस में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट फिर आप वर्ड देख लें इधर लिखा हुआ है, इधर आप देख लें इधर के साथ क्या लिखा हुआ है वन आर द अदर arb यानी कि या तो दोनों होंगे या दोनों में से कोई भी एक, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। ओके स्टूडेंट फिर आप देख लें आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे दो और वर्ड्स हैं अदर और एन अदर। ओके स्टूडेंट अभी इनका यूज हम देख लेते हैं कि इनके यूज क्या है। स्टूडेंट एन अदर का मतलब है एक और, यानी कि एक चीज़ आपके हाथ में है और आप किसी दूसरे की डिमांड कर रहे हो तो उसे आप कहेंगे वन मोर यानी कि एक और वन मोर। ओके स्टूडेंट जिसे आप एन अदर कह सकते हैं। स्टूडेंट इसका अब यूजेज देख लें कैसा है कि देयर इज सो मच ट्रैफिक इज देयर एनदर वे टू गो। देयर इज सो मच ट्रैफिक इज देयर
अनदर वे टू गो। स्टूडेंट जैसे कि आप सपोज कर लें, आप कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं, आप सफ़र पे जा रहे हो और आपका जो आप जिस रास्ते पर ट्रेवलिंग कर रहे हो वो उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि कोई दूसरा रास्ता है क्या, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कि देर इज़ सो मच ट्रैफिक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इज़ देयर अनदर वे, कोई दूसरा रास्ता है, यानी कि अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी कि अगर ये रास्ता ना हो तो कोई दूसरे रास्ते से हम ट्रेवल कर सकते हैं, तो यानी कि अनदर का मतलब है कोई और। ओके स्टूडेंट, वन मोर। फिर अब स्टूडेंट आप दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू ऑर्डर ए ड्रिंक, वुड यू लाइक अनदर। जैसे कि स्टूडेंट आप किसी होटल में बैठे हुए हैं और आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली हो और आपको यानी कि वो विश हो रही है दूसरी पीने की, तो आपके साथ जो आपका फ्रेंड होगा तो आप उसे कह सकते हैं, आप उसको कहेंगे कि आई एम गोइंग टू ऑर्डर ए ड्रिंक, मैं एक ड्रिंक का ऑर्डर करने जा रहा हूँ, वुड यू लाइक टू लाइक अनदर, वुड यू लाइक अनदर, या क्या आप एक और पीना पसंद करेंगे। उसके पास भी एक मौजूद होगी, फिर भी आप उसे पूछेंगे क्या आप एक और पीना पसंद करेंगे इसके अलावा, जो आपके हाथ में है इसके अलावा आप एक और पीना पसंद करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर एक और सेंटेंस इस स्लाइड आपके सामने मौजूद है स्टूडेंट, इस स्लाइड पर आप देख लें लिखा हुआ है, देयर्स अनदर सैंडविच इफ़ यू आर हंग्री। आपके घर में स्टूडेंट सैंडविचेज तो बनते ही होंगे, आपकी मम्मी आपसे पूछती भी होंगी कि अगर आपका एक सैंडविच से पेट नहीं भरा तो आप दूसरा ले सकते हो, तो वो आपको सिंपली बोल सकती हैं देयर इज़ अनदर सैंडविच इफ़ यू आर हंग्री, एक और सैंडविच मौजूद है अगर आप भूखे हो तो आप उसे ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आप हम ये स्टूडेंट सारे कौन से वर्ड्स थे, अनदर, ये जो पिछली 3-4 स्लाइडें हमने देखी इनके ऊपर हमने अनदर वर्ड का इस्तेमाल किया, अनदर वर्ड को हमने यूज़ किया, अब हम चलते हैं अदर की तरफ। ओके स्टूडेंट, डू यू हैव एनी अदर टाइप्स ऑफ द जूस। स्टूडेंट अदर वर्ड जो होगा ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। ओके स्टूडेंट, ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे स्टूडेंट आप इसी सुपर स्टोर पर खड़े हुए हैं तो सुपर स्टोर पर आपने किसी जूस की डिमांड की और वो आपको कोई जूस दिखा दे, तो आपको अगर वो जूस पसंद नहीं आया तो आप कह सकते हैं डू यू हैव एनी अदर टाइप्स ऑफ जूसेस, कि आपके पास दूसरे अकसाम के भी जूसेस हैं, तो यहाँ पर आप अनदर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो एक यानी कि कोई और एक, वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, तो प्लूरल के लिए अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो आप वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, अदर, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, डू यू हैव एनी अदर टाइप्स ऑफ जूसेस, की जाहिर सी बात है सुपर स्टोर पर एक किस्म का जूस तो नहीं होगा, बहुत सारे किस्म के जूसेस वहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो ये अदर वर्ड होगा जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद आप दूसरी एक स्लाइड आपके सामने है और उस पर एक वर्ड का यूजेज है, मैं आपके सामने रीडिंग करता हूँ इसकी, आई डोंट लाइक दैट मूवी, इज़ देयर अनदर वन दैट वी कैन वॉच। आप कोई मूवी देख रहे हो आपको वो पसंद नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते इज़ देयर अदर मूवी, तो ये अदर तो वो बहुत सारी मूवी हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो बहुत सारी मूवी आप एक साथ नहीं देख सकते, आप कोई भी एक मूवी एक टाइम में देख सकते हो, तो आप सिंपल क्या यूज़ करेंगे, आई डोंट लाइक दैट मूवी, मुझे ये मूवी पसंद नहीं, इज़ देयर अनदर वन दैट वी कैन वॉच, कोई इसके अलावा अवेलेबल है जिसे हम देख सकें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख लें एक और सेंटेंस आपके सामने है, आई नीड टू बाय अनदर फोन चार्जर आई लॉस्ट माइन, मुझे एक चार्जर खरीदने की ज़रूरत है, मुझसे मेरा खो गया है। ओके स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात स्टूडेंट कभी फ़ोन का चार्जर जो होगा तो आपको एक ही ज़रूरत पड़ेगी, ये तो नहीं कि आप पूरी शॉप घर में उठा कर ले आएंगे, आप शॉप पर जाएंगे और एक चार्जर की डिमांड करेंगे, वो आपका एक चार्जर जो था वो खो गया, ठीक है, आपको अल्टरनेट चाहिए ना, तो आप उसे क्या कहेंगे, आई नीड टू बाई अनदर फ़ोन चार्जर, मुझे एक फ़ोन चार्जर की ज़रूरत है, आई लॉस्ट माइन, मुझसे मेरा खो गया है। ओके स्टूडेंट नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क, इट वॉज आवर टूडेज लेक्चर। स्टूडेंट आपकी बुक के पेज नंबर 7 के ऊपर एक पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, पैसेज में कुछ डायलॉग्स हैं और उन डायलॉग्स के अंदर कुछ ब्लैंक्स हैं। ओके स्टूडेंट, और ब्लैंक्स के अंदर आपने कौन से वर्ड फिलअप करने हैं, एक्सरसाइज सी वाले, एक्सरसाइज सी आपको क्या कह रही है स्टूडेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग यूजिंग बोथ
आइदर न इधर आर एन अदर। स्टूडेंट बोथ जो होगा वो दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। कोई भी दो पर्सन से हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप वर्ड बोथ यूज़ करोगे, ओके। तो स्टूडेंट ये कुछ चार आपके सामने वर्ड्स हैं, जैसे कि बोथ है, इधर निधर एन अदर। इधर निधर को आप आइदर एंड नाइदर भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये जो डायलाग्स के दरमियान में ब्लैंक्स हैं ये आपने खुद से फिलअप करनी है, ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट अब आप आ जाएं पेज नंबर 8 के ऊपर। स्टूडेंट पेज नंबर 8 पे आपके लिए एक और होमवर्क है आपके पास, आपके लिए जो आपने खुद से करना है। वो क्या होमवर्क है स्टूडेंट? वो है एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी आपको क्या कह रही है? रीड द पैसेज बिलो एंड सर्किल द 8 क्वांटिफायर्स, देन अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट एस अबव द वर्ब इफ इट इज़ यूज्ड इन द सिंगुलर, एंड राइट पी अबव इट इफ इट इज़ यूज्ड इन द प्लूरल। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। स्टूडेंट आपने आपके आपके पेज नंबर 8 पे एक और पैसेज मौजूद है, आपने इनमें से क्वांटिफायर फाइंड आउट करने हैं, कितने 8 आपने इनमें से 8 क्वांटिफायर फाइंड आउट करने हैं और उनको आपने करना है सर्किल, ओके स्टूडेंट। फिर आपने क्या करना है, आपने वर्ब्स को आपने अंडरलाइन करना है। जो इसके अंदर वर्ब्स है ना स्टूडेंट, जो एज ए वर्ब यहाँ पे वर्क कर रहे हैं आपने उसे अंडरलाइन करना है। और आप स्टूडेंट देखें फर्स्ट लाइन के अंदर एज ए एग्जाम्पल आपके लिए एक बताया गया है। फिर आपने देखना है अगर वो वर्ब सिंगुलर है तो उसके नीचे आप उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर आप एस लिखेंगे, एस फॉर सिंगुलर। अगर आप देखें कि वो वर्ब जो है वो प्लूरल है तो आप उसके ऊपर उसको नीचे से अंडरलाइन करके उसके ऊपर आप पी लिख देंगे, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इट वॉज़ योर डायरी एंड इट वॉज ऑल्सो योर टूडेज लेक्चर। आई होप यू लर्न एंड एन्जॉयड अवर दिस लेक्चर। स्टूडेंट इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर स्कूल वेरी सून। टिल डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।